My name is Ajay Singh and I have secured All India rank 377 in GATE 2019. So हम अपने heat transfer का next lecture शुरू करने वाले हैं, heat transfer 21. तो अभी तक ये हमारा last chapter है, that is your radiation. तो अभी तक हमने इससे पहले वाली जो लेक्चर था उसमें हमने रेडिएशन के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा और एक वेरी इंपॉर्टेंट रेडिएशन के क्या इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स थे वो हमने देखे, जो मैंने बोला था तुमको कि थ्योरी के लिए थ्योरी वाइज इंपॉर्टेंट है, कम से कम एटलीस्ट इन पॉइंट्स को तो देख के चले जाना. अगर कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आता है रेडिएशन से या फिर रेडिएशन से रिलेटेड तो उनसे पूछा सकता है. तो वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग रेडिएशन मैंने एक जगह पर उनको लिख दिया था, ठीक है. तो एट लास्ट में हमने एक लॉ देखा था, दैट इज़ योर किरचॉफ्स लॉ. दिस इज़ आल्सो द जो कि रेडिएशन के लॉ हैं, कुछ बेसिक लॉ हैं जिनसे रेडिएशन गवर्न होता है, ठीक है. तो उसी के कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, ठीक है, या आप बोल सकते हैं जो सारे लॉज का आधार है, कहने का मतलब जैसे न्यूटन्स के तीन लॉ थे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, उसमें से जो न्यूटन्स सेकंड लॉ है इट इज़ द मेन लॉ. उसके करके अगर तुम्हें फर्स्ट लॉ पता है तो बाकी के जो रेस्ट ऑफ द टू लॉज हैं दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है. तो सिमिलरली यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी जो प्लैंक्स लॉ है दिस इज़ योर मेन इंपॉर्टेंट लॉ, ठीक है. बाकी जितने भी लॉ हैं, किरचॉफ्स लॉ हो गया, तुम्हारा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हो गया, ठीक है, आगे बाकी सारे जो पावर वाले लॉ हैं, सारे के सारे लॉ तुम्हारे प्लैंक्स लॉ से डिराइव्ड है, ठीक है. तो क्या कहता है पर प्लैंक्स लॉ, प्लैंक्स लॉ का भी स्टेटमेंट नहीं देखते हैं, सिंपली एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है उसको देखते हैं, ठीक है. प्लैंक्स लॉ कहता है तुम्हारा कि एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी ऑफ अ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला है ब्लैक बॉडी होनी चाहिए, ब्लैक बॉडी, सेकेंड है मोनोक्रोमेटिक, ठीक है. मोनोक्रोमेटिक का मतलब कि जो रेडिएशन हो रहे हैं उसमें सिर्फ एक ही तरह की वेवलेंथ निकल रही है, मतलब सपोज़ करो एक रेडिएशन हो रहा है कुछ, उसमें 100 नैनोमीटर का वेवलेंथ, 100 नैनोमीटर की वेवलेंथ की वेव्स निकल रही हैं, तो सिर्फ 100 नैनोमीटर की वेवलेंथ की वेव्स ही निकलनी चाहिए, तो उसको कहते हैं मोनोक्रोमेटिक एमिशन या फिर मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, ठीक है. तो अगर ब्लैक बॉडी है और मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन है तो जो एमिसिव पावर होगा, जो एमिसिव पावर होगा वो लैम्डा मतलब वेवलेंथ के साथ कुछ इस तरीके से वेरी करता है, ठीक है. द रिलेशन इज ई बी वाई इज इक्वल टू सी वन, सी वन इज कॉन्स्टेंट, अपॉन लैम्डा फाइव ब्रैकेट ई की पावर सी टू, सी टू इज अगेन कॉन्स्टेंट, अपॉन लैम्डा टी माइनस वन. टी है तुम्हारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, लैम्डा इज योर वेवलेंथ, ठीक है. तो दिस इज द ओनली स्टेटमेंट या फिर दिस इज़ द प्लैंक्स लॉ, ठीक है, यही तुम्हारा प्लैंक्स लॉ है. अब देखो सिर्फ अगर तुम लैम्डा को देखो और इमिसिव पावर को देखो तो तुम डायरेक्टली देख के यहाँ से ये नहीं बता सकते कि हाँ ये सिर्फ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब यहाँ पे जो लैम्डा फाइव है इसके तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बट ये वाले लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर ये लैम्डा बढ़ेगा तो ई बी लैम्डा बढ़ेगा, बट ये वाला लैम्डा बढ़ेगा, ये वाला बढ़ेगा, ये वाला फैक्टर बढ़ेगा तो इसकी वजह से घट रहा है, ठीक है. तो ओवरऑल जो डिस्ट्रीब्यूशन है तुम डायरेक्टली एस्टिमेट नहीं कर सकते हो. तो व्हेन यू विल मेक द ग्राफ बिटवीन ई बी वाई एंड लैम्डा तो आपको इस तरह का ग्राफ मिलेगा कुछ, ठीक है, इस तरह का ग्राफ मिल रहा है. तो इसमें तुम देख सकते हो जैसे जैसे मेरा लैम्डा बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरी एमिसिव पावर बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, फिर एक सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर रही है कुछ लैम्डा की वैल्यू से और फिर धीरे 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 डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है. तो दिस इज़ योर ग्राफ फॉर प्लैंक्स लॉ, ठीक है. अगेन एक चीज़ में ध्यान रखने वाली बात है, मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जी जो चीज़ समझा रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान रखना. जो ये ई बी वाई है ये टोटल एमिसिव पावर नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा. इट इज़ द एमिसिव पावर ऑफ मोनोक्रोमेटिक, ये कौन सी पावर है, मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर. मोनोक्रोमेटिक मतलब सिर्फ एक वेवलेंथ के लिए एमिसिव पावर है. अगर तुमको टोटल एमिसिव पावर कैलकुलेट करनी है तो तुमको उसको इंटीग्रेट करना होगा डी लैम्डा के साथ, ठीक है, ई बी वाई डी लैम्डा के साथ उसको इंटीग्रेट करना होगा सारी वेवलेंथ के साथ. जब तुम सारी वेवलेंथ के साथ इसको इंटीग्रेट करोगे देन यू विल गेट द टोटल एमिसिव पावर. अभी तक ये सिर्फ एक मोनोक्रोमेटिक लाइट या फिर मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन के लिए एमिसिव पावर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज़ तुमको ध्यान में रखना है.
ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्लैंक्स लॉ। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अब इसमें जो ये C1 और C2N की वैल्यूज़ याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा रिलेटेड। इसमें जो याद करना है वो क्या याद करना है, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या चीज़ है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रिगार्डिंग गेट इज़ दिस ग्राफ, जो ये ग्राफ है कि जो एमिसिव पावर है वो तुम्हारी किस तरीके से वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला, फार्मूला इन द सेंस कि नॉट एग्जैक्ट फार्मूला कि ये वेरिएशन कैसे हो रहा है। ए बी वाई अपॉन लैम्डा 5 है, यहाँ पे ई की पावर लैम्डा टी है, तो ये जो चीज़ है ना दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये चीज़ तुमको याद रखनी चाहिए। C1 C2 की कुछ वैल्यूज़ होती हैं बट वो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है बिकॉज दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं तुमसे। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ ग्राफ में तुमको समझा देता हूँ एक बार। एक ग्राफ क्या है, इस ग्राफ में चीज़ें इस ग्राफ में चीज़ें कुछ क्लियरली मेंशन करी नहीं है बट मैं फिर भी आपको समझा देता हूँ। अभी ये सब चीज़ें आगे नीचे रिटर्न में लिखी हैं बट ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हमने देखा ई और लैम्डा का वेरिएशन, ठीक है, वेरिएशन देखा। तो यहाँ पे मेरे को तीन तरह के वेरिएशन दिख रहे हैं। देखो तुम अगर ग्राफ देखोगे ध्यान से, एक तो वेरिएशन ये, दूसरा ये ग्रीन लाइन से बना है, और तीसरा, ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे एमिसिविटी और लैम्डा का वेरिएशन दिखा रखा है। एमिसिविटी लैम्डा के साथ वेरी नहीं कर रही है, वेरी नहीं कर रही है, ठीक है, जो भी है कुछ कांस्टेंट है। तो यहाँ भी दो तरह के ग्राफ हैं, एक ब्लैक पेन से बनाया, ग्रीन पेन से बनाया, दूसरा रेड पेन से बनाया, ठीक है। अब देखो इसमें ये है क्या चीज़, सबसे पहले इसको समझते हैं, ठीक है। जो हमारी एमिसिविटी है, अगर तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, देन इट इज़ कांस्टेंट, ठीक है। जो ये ब्लैक लाइन से एक ग्राफ बनाए, दिस इज़ शोइंग फॉर द ब्लैक बॉडी, मतलब ब्लैक बॉडी की सबसे ज़्यादा एमिसिविटी है, इसलिए सबसे ऊपर को आया है। और कांस्टेंट है मतलब विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, जैसे जैसे लैम्डा चेंज हो रहा है एमिसिविटी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका मतलब क्या है, एमिसिविटी डज नॉट चेंज विद लैम्डा, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर तुम जो ये रेड वाला ग्राफ देख रहे हो ना, ये ऊपर नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, ये जो ग्राफ है ये किसका है, ये है तुम्हारा रियल बॉडी का, ठीक है, ये ग्राफ है तुम्हारा रियल बॉडी का। तो तुम एक चीज़ देख रहे हो कि जैसे जैसे लैम्डा चेंज हो रहा है, एमिसिविटी कभी तो ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, मतलब वो कॉन्स्टेंट नहीं है, ठीक है। एमिसिविटी जो है तुम्हारा, एमिसिविटी जो है लैम्डा के साथ वेरी कर रही है फॉर अ रियल बॉडी। देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, दो पॉइंट है। अगर क्वेश्चन आता है कि डज एमिसिविटी वेरी विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा फॉर अ ब्लैक बॉडी, द आंसर शुड बी नो। सेकंड क्वेश्चन आता है कि डज एमिसिविटी वेरी विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, सिर्फ अगर इतना पूछा जाए, कोई बॉडी मेंशन नहीं कही, तो तुम बोलोगे यस इट वेरीज। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी बॉडी मेंशन नहीं की है तो इसका मतलब वो किस बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, रियल बॉडी, और रियल बॉडी की जो एमिसिविटी होती है वो लैम्डा पे डिपेंड करती है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, अब यहाँ पे ग्राफ में भी तुमने देख लिया है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि तुम्हें किस बॉडी के बारे में बात की जा रही है। अगर तुमसे बात की जा रही है ब्लैक बॉडी के बारे में, ठीक है, ध्यान दो, ब्लैक बॉडी की एमिसिविटी कॉन्स्टेंट रहती है विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, चेंज नहीं होती है। बट अगर मैं रियल बॉडी की बात करूँ, मैं अगर रियल बॉडी की बात करूं, तो रियल बॉडी की जो एमिसिविटी होती है वो कांस्टेंट नहीं होती है, वो कांस्टेंट नहीं होती है, ये चीज़ तुमको ध्यान में रखनी है, ठीक है, ठीक है। तो रियल और ब्लैक का तो समझ में आ गया, ठीक है। तो भैया जो ये ग्रीन ग्रीन कलर है ये क्या है, ये कुछ नहीं है, इट इज़ कॉल्ड एज ग्रे बॉडी, ठीक है। अब ये ग्रे बॉडी क्या होती है, ग्रे बॉडी कुछ नहीं है, ग्रे बॉडी एक ऐसी बॉडी है जिसकी एमिसिविटी विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा चेंज नहीं होती है। तो सर वो तो ब्लैक बॉडी की भी नहीं होती है, हाँ बिल्कुल ब्लैक बॉडी की भी एमिसिविटी विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा चेंज होती है। तो ब्लैक बॉडी और ग्रे बॉडी में डिफरेंस क्या है, तो देखो डिफरेंस सिर्फ इतना है, ब्लैक ग्रे बॉडी डिफाइन करना ज़रूरी क्यों है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तुम्हारी जो रियल बॉडी है ना, रियल बॉडी है उसकी जो एमिसिविटी है इस तरीके से वेरी कर, ना तो वो लैम्डा के साथ इंक्रीज़ हो रही है ना डिक्रीज़ कर रही है, कभी वो इंक्रीज़ हो रही है कभी डिक्रीज, मतलब फ्लक्चुएट कर रही है, ठीक है, एक तरीके से। तो अगर मैं, मुझे अपनी जो रियल बॉडी है उसकी मुझे कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है, मुझे अपनी रियल बॉडीज़ के लिए कैलकुलेशन करनी है, मुझे हीट ट्रांसफ़र वगैरह वगैरह निकालनी है, तो एमिसिविटी पता होना ज़रूरी है। तो भैया मैं कौन सी एमिसिविटी लूँ, तो इसके लिए, इस चीज़ से या इस प्रॉब्लम से दूर होने के लिए मैं एक ग्रे बॉडी डिफाइन करता हूँ। ग्रे बॉडी कुछ नहीं होती है, ग्रे बॉडी एक रियल बॉडी का ही
स्वरूप है, ठीक है, उसी का एक उसी की एक फ़ोटो है, बस उसमें उस फोटो है या उसका उसकी इमेज है, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है, उसकी जो एमिसिविटी है वो इसकी जो चेंज ऑफ चेंजिंग जो चेंजिंग एमिसिविटी है ना उसका एवरेज है। समझ में आया? तो जहाँ भी रियल बॉडी है, रियल वेट की जो एमिसिविटी है वो कंटिन्यूसली चेंज कर रही है, कभी कुछ हो जा रही है, कभी कुछ हो जा रही है, कभी ज़्यादा कभी कम, ज़्यादा कभी कम, ज़्यादा कभी कम। लेकिन अब मुझे जब कैलकुलेशन करनी है तो मुझे तो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एमिसिविटी चाहिए, तो मैं कौन सी लूँ? तो उस चीज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं ग्रे बॉडी डिफाइन करता हूँ। ग्रे बॉडी क्या होती है? ग्रे बॉडी की एमिसिविटी, इसकी जो एमिसिविटी होती है उनका एवरेज, उसका एवरेज होता है, ठीक है। तो बस सिमिलरली ग्रे बॉडी तुम्हारा यहीं से डिफाइन की है, ठीक है। तो अगर ये ग्राफ समझ में आ गया हो तो देखो इससे काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्या होती है ग्रे बॉडी, ठीक है, क्या होती है ब्लैक बॉडी और क्या होती है रियल बॉडी, क्या क्या डिफरेंस है, किसकी एमिसिविटी कॉन्स्टेंट होती है इसकी और इसकी, इसकी एमिसिविटी कॉन्स्टेंट होती है नहीं, इसकी एमिसिविटी कॉन्स्टेंट नहीं होती है। तो ये दिस कैन बी आस्क्ड इन एज अ थियोरेटिकल क्वेश्चन। तो सिमिलरली अगर मैं एमिसिव पावर और लैम्डा के बीच में ग्राफ बनता हूँ तो दिस इज़ फॉर ब्लैक बॉडी, सबसे ज़्यादा एमिसिविटी होगी, एमिसिव पावर होगी ब्लैक बॉडी की। दिस इज़ फॉर रियल बॉडी जो ऐसे फ्लक्चुएट कर रही है, रियल बॉडी, और जो इनका एवरेज लेके अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो दिस इज़ फॉर ग्रे बॉडी, ठीक है। अभी टेंशन नहीं लेना, ये सब चीज़ें आगे रिटर्न में भी समझाई हैं, जो चीज़ें मैंने बोल दी हैं, अगर तुम्हें लगा हो कि मैंने बहुत फास्ट बोल दिया तो कोई बात नहीं, आगे लिखी हुई है, ठीक है, आगे स्लाइड में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी इस ग्राफ को अभी नहीं देखते हैं, ठीक है, अभी थोड़ी देर इस ग्राफ को नहीं देखते हैं, तो अभी मैं रीज़न बता दूंगा क्यों थोड़ी देर बाद। अभी इसके बाद में जब वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ डिस्कस करेंगे तब हम इस पे दोबारा आएंगे, ठीक है। उससे पहले एक बार प्लैंक्स लॉ के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, जो भी हमने ऊपर किया, ठीक है। तो क्या है प्लैंक्स लॉ? प्लैंक्स लॉ इज़ अ थियोरेटिकल लॉ विच गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन एमिसिव पावर विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो एमिसिव पावर का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ और टेम्परेचर देता है, सिमिलरली बस यही है प्लैंक्स लॉ। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्लैंक्स लॉ इज डराइव्ड बाई एज्यूमिंग वैक्यूम कंडीशन, ठीक है। जो प्लैंक्स लॉ है उसमें हमने ये मान के चला है कि जो मीडियम है वो वैक्यूम है, देर इज नो एयर, नो एनी मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बिटवीन सोर्स एंड द रिसीवर। प्लैंक्स लॉ कैन ऑल्सो भी यूज फॉर नॉन वैक्यूम कंडीशन, ओनली डिफरेंस इज सी वन इज रिप्लेस्ड बाय सी वन बाय एन स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो प्लैंक्स लॉ को नॉन वैक्यूम कंडीशन के लिए भी ही यूज़ कर सकता हूँ, सिर्फ मुझे चेंजेस क्या करने पड़ेंगे, जहाँ पे सी वन था सी वन की जगह सी वन बाय एन स्क्वायर रखना पड़ेगा, वेर एन क्या है, एन क्या है रिफ्रैक्ट जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन बिटवीन सोर्स एंड द रिसीवर, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मैं बता दूंगा कहाँ पे चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब ये ऑब्जर्वेशन है, ये दीज ऑब्जर्वेशन आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन, इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू प्लैंक्स लॉ, तो सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है दैट इज़ एमिसिव पावर इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, एज वेवलेंथ इंक्रीजेज एमिसिव पावर इंक्रीजेज, रीच टू अ पीक वैल्यू देन स्टार्ट डिक्रीजिंग। बस ये पहला पॉइंट कुछ नहीं है, बस जो ग्राफ था उसी को समझा दिया है कि जो एमिसिव पावर है और लैम्डा के बीच में जो ग्राफ बनता है दैट इज ग्राफ इज़ अ कंटिन्यूस ग्राफ, वो कंटिन्यूस ग्राफ बनता है। पहले तो धीरे धीरे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे एमिसिव पावर इंक्रीज़ होती है, जैसे जैसे लैम्डा फिर एक मैक्सिमम वैल्यू रीच कर जाती है देन इट स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो यही पॉइंट यहाँ पे समझा रखा है, ठीक है, जो ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वही पॉइंट है यहाँ पे, कोई अलग से कुछ चीज़ नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रियल बॉडी प्रॉपर्टीज़ आर नॉट कॉन्स्टेंट, वही जो मैंने समझाया तुमको फ्लक्चुएट होती है, याद होगा तुमको एमिसिव पावर, ठीक है। तो रियल बॉडीज़ प्रॉपर्टीज़ आर नॉट कॉन्स्टेंट, जो रियल बॉडीज़ होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो कॉन्स्टेंट नहीं होती हैं, वो फ्लक्चुएट करती हैं। देयरफॉर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू यूज़ प्लैंक्स लॉ, ड्यू टू दिस रीज़न वी कैलकुलेट एवरेज वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ रियल सरफेस। नाउ रियल बॉडी प्रॉपर्टीज़ आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ, सच एन अप्रोक्सीमेशन इज कॉल्ड ग्रे बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझा दिया है, क्योंकि हम प्लैंक्स लॉ लगा नहीं सकते रियल बॉडीज़ के लिए, क्यों? क्योंकि जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो कॉन्स्टेंटली वेरी कर रही हैं, तो कौन सी प्रॉपर्टी की वैल्यू पुट करेंगे? तो इस चीज़ से बचने के लिए वट वी डू, वी फाइंड द एवरेज ऑफ वैल्यूज़, ठीक है, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और एक नई बॉडी डिफाइन करते हैं, दैट इज़ नोन एज ग्रे बॉडी। ग्रे बॉडी एक्चुअली है क्या? रियल बॉडी का ही स्वरूप है, मैंने तुम्हें ऑलरेडी ये चीज़ बोल दी है, तो वही चीज़ यहाँ पे
लिखी हुई है. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ग्रे बॉडी इज नॉट अ रेफरेंस बॉडी बिकॉज फॉर ग्रे बॉडी एमिसिविटी एंड अल्फा वैल्यू लेस देन 1. अब कभी भी ये मत समझ लेना कि ग्रे बॉडी रेफरेंस बॉडी है ना, ग्रे बॉडी रेफरेंस बॉडी नहीं है, ग्रे बॉडी रियल बॉडी ही है. बस थोड़ा सा अंतर क्या है कि रियल बॉडी की प्रॉपर्टीज चेंज होती है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है. मैं ये मान के चलता हूँ कि इसकी एवरेज प्रॉपर्टीज ले लेता हूँ और एक नई बॉडी को डिफाइन करता हूँ ग्रे बॉडी. ठीक है, ग्रे बॉडी हमारी रेफरेंस बॉडी नहीं है. क्यों? क्योंकि ग्रे बॉडी का जो अल्फा और एमिसिविटी है वो 1 नहीं है. किसका होता है 1? ब्लैक बॉडी. तो ब्लैक बॉडी इज़ योर रेफरेंस बॉडी. ये हमेशा ध्यान रखना, कोई क्वेश्चन पूछ ले कि जब हम रेडिएशन के बारे में पढ़ते हैं या ठीक है उनका एनालिसिस करते हैं तो रेफरेंस किसको मान के चलते हैं? कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई रेफरेंस माना होगा ना. तो कौन रेफरेंस है? हमारा रेफरेंस है ब्लैक बॉडी. ठीक है, तो ब्लैक बॉडी इज़ द रेफरेंस बॉडी. नेक्स्ट पॉइंट, फॉर ग्रे बॉडीज़ प्रॉपर्टीज़ आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ. ये बता दिया तुम्हें, कांस्टेंट ग्राफ आया था तुम्हें अगर ध्यान होगा तो, एमिसिविटी और लैम्डा के बीच में ग्राफ आया था. यहाँ पे ब्लैक बॉडी का था, यहाँ पे ग्रे बॉडी का था. तो ग्रे बॉडी का कांस्टेंट आ रहा है, लैम्डा पे डिपेंड नहीं कर रहा है. तो यहाँ पे यही समझा रखा है, फॉर ग्रे बॉडीज़ प्रॉपर्टीज़ आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एट अ स्पेसिफाइड वेवलेंथ इफ सरफेस टेम्परेचर इंक्रीजेस. ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज होगा, देन ई इंक्रीजेज, मतलब इससे पावर इंक्रीज, एंड कर्व्ड शिफ्ट टूअर्ड लेफ्ट हैंड साइड, इट मीन्स बॉडी इमिट्स मैक्सिमम एट शॉर्टर वेवलेंथ. अच्छा, ये पॉइंट अभी तुमको समझ में नहीं आएगा तो अभी इसको मैं डिस्कस नहीं करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ जो मैंने ऊपर ग्राफ छोड़ा है ना उससे रिलेटेड है. ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये चीज़ हम डिस्कस नहीं करते हैं. ये चीज़ मैं अभी इसके पे दोबारा लौट के आऊँगा. सॉरी, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गई ये चीज़ें. हाँ, बट मैं इसको दोबारा आऊँगा. ठीक है, ये चीज़ें क्या समझा रखी हैं. हाँ ठीक है, अब ये चीज़ समझाने के लिए एक बार फिर से हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, जो ऊपर ग्राफ छोड़ा होगा अगर तुमको ध्यान होगा तो. ये ग्राफ मैंने छुड़वाया था. ठीक है, अब इस ग्राफ को ध्यान से देखो, इसमें क्या है, इसमें मैंने क्या बनाया है. देखो, अभी तक हमने जो ई और लैम्डा के बीच में जो ग्राफ बनाया था, ई और जो लैम्डा के बीच में ग्राफ बनाया था, वहाँ पे मैंने माना था कि टेम्परेचर कांस्टेंट है. ठीक है, अब सपोज़ करो मैं टेम्परेचर चेंज कर रहा हूँ. ठीक है, मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ. पहले सबसे पहले T1 टेम्परेचर था, फिर मैं T2 बढ़ाया, फिर T3, T4, अलग अलग टेम्परेचर पर ये ग्राफ मैंने ड्रॉ किया. सबसे पहला ग्राफ मेरा कुछ इस तरीके का आया. तो यहाँ पर जो मैक्सिमम एमिसिव पावर मिल रही है वो इस वेव लेंथ पर मिल रही है, यहाँ पर कुछ मिल रही है. फिर मैंने T2 ग्राफ बनाया, T2 टेम्परेचर के लिए ग्राफ बनाया, तो कुछ इस तरीके का आया. यहाँ पर जो मैक्सिमम मिल रहा है वो इस पॉइंट पे मिल रहा है. तो तुम एक तरह से गौर कर रहे हो, जो जहाँ पे मुझे मैक्सिमम एनर्जी या जहाँ पे मुझे मैक्सिमम एमिसिव पावर मिल रही थी, उसकी जो वेवलेंथ है वो लेफ्ट की ओर खिसक रही है. ठीक है, लेफ्ट की ओर खिसक रही है. ये चीज़ तुम गौर कर रहे होगे. देखो, कहना क्या चाह रहा हूँ, जिस पॉइंट पे मुझे मैक्सिमम एनर्जी मिल रही थी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है, वैसे वैसे मेरा लैम्डा लाइफ लेफ्ट की तरफ खिसक रहा है. लैम्डा कौन सा? लैम्डा मैक्स. लैम्डा मैक्स मतलब लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू नहीं, लैम्डा की वो वैल्यू जहाँ पे एमिसिव पावर मैक्सिमम है. ठीक है, जो जो लैम्डा मैक्स है वो लेफ्ट की तरफ खिसक रहा है. ठीक है, तो यही तुम्हारा वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ है. ठीक है, क्या वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है? जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करते आता हूँ, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करते आता हूँ, वैसे वैसे जिस पॉइंट पर लैम्डा मैक्स आता है, वैसे वैसे जिस पॉइंट पे एमिसिव पावर मैक्सिमम आती है, उस पॉइंट का लैम्डा, उस पॉइंट की वेवलेंथ लेफ्ट की ओर खिसक रही है. ठीक है, और आई कैन से दैट कि लैम्डा मैक्स और इनटू टी इज़ कांस्टेंट. इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ये डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है. तो दिस इज़ योर वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ. ठीक है, ये ग्राफ की मदद से भी समझ में आ जाएगा और स्टेटमेंट और मैथमेटिकल प्रूफ भी आपको मिल जाएगा. ये चीज़ यहाँ पे मेंशन किया है. क्या मेंशन किया है? एट अ स्पेसिफाइड वेवलेंथ इफ सरफेस टेम्परेचर इंक्रीजेस द कर्व शिफ्ट टूअर्ड द लेफ्ट हैंड साइड. जैसे वैसे वैसे कर्व्ड क्या होता है? लेफ्ट की तरफ खिसकता रहता है. द बॉडी इमिट मैक्सिमम एट शॉर्टर वेवलेंथ. इसका मतलब क्या है? बॉडी कहाँ पे मैक्सिमम इमिट कर रही है? एट शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ. ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बनेगा बढ़ेगा तो क्या होगा? एमिसिव पावर बढ़ेगी. अगर एमिसिव पावर बढ़ रही है तो और तो कहाँ पे मैक्सिमम एमिसिव पावर आ रही है? जहाँ पे शॉर्टर वेवलेंथ है. ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे समझा रखी है.
नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन एनी बॉडी इज एट रूम टेम्परेचर, ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वैसे, देन इट रेडिएट इन इंफ्रारेड रीजन, देयरफॉर ह्यूमन आई कैन नॉट डिटेक्ट कलर, बट इफ एनी बॉडी टेम्परेचर इज अबव 800K, अगर 800 केल्विन से ऊपर है, देन अपीयरेंस इज रेड इररिस्पेक्टिव ऑफ मटेरियल कंपोजिशन बिकॉज द इट रेडिएट इन विजिबल स्पेक्ट्रम। तो ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट भी नहीं है, ठीक है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, जो ये वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ है ये आया कहाँ से है, ये प्लैंक्स लॉ से ही आया है। मैंने तुम्हें बताया था कि सारे के सारे लॉज जो हैं वो प्लैंक्स लॉ से ही डिराइव हुए हैं। तो पढ़ते हैं, इफ़ प्लैंक्स लॉ गेट डिफ्रेंशिएटेड ओवर एन एंटायर वेवलेंथ देन वी गेट वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। तो वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ कहाँ से आया, जो ई बी लैम्डा था, अगर मैं उसको, अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि कौन से लैम्डा पे ई बी की वैल्यू मैक्सिमम हो रही है, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ई बी इज़ अ फंक्शन ऑफ लैम्डा, तो इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, ई बी लैम्डा को लैम्डा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया और उसको इक्वल टू जीरो पुट कर दिया। ये तो करते हैं, ये कहाँ से आया, मैथमेटिकल से, ठीक है, डी बाई डिफ्रेंशिएशन को जीरो कर देते हैं। तो जब डिफ्रेंशिएशन को जीरो करोगे तो तुम्हारा इस आ जाएगा लैम्डा टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा, ठीक है, एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ से तुमको पता चल जाएगा कि जिस टेम्परे जिस लैम्डा पे मैक्सिमम एमिसिव पावर आ रही है और इनटू उस जिस टेम्परेचर पे आ रही है उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो कांस्टेंट है। तो दिस इज़ योर वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब जो यहाँ पे जो सी थ्री है इसकी वैल्यू याद करना इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ 2898। एक सेकेंड, हाँ, तो जो इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये याद रखना है, सी थ्री याद रखना है, मैंने तुमको बोला जो वैल्यूज़ याद करने को मैं बोल रहा हूँ उनको प्लीज़ याद कर लेना, जो नहीं बोल रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या याद करना है, तो 2898 याद करना है, एक सेकेंड, ये वैल्यू जो है 2898 ये आपको याद करनी है, साथ ही साथ इसकी यूनिट भी याद करनी है। क्या है ये, माइक्रोमीटर केल्विन, इसका मतलब क्या है, जो लैम्डा होगा वो तुम्हारा क्या होगा, माइक्रोमीटर में है, और जो टेम्परेचर है वो तुम्हारा केल्विन में। जब तुम ये माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करोगे लैम्डा को, टेम्परेचर को केल्विन में करोगे, तब जाके तुम्हारी जो वैल्यू आएगी वो 2898 आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ तुमको ध्यान में रखनी है। कहने का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ एक और बार समझा देता हूँ, लैम्डा टी इज इक्वल टू 2898, ये हमको तुमको हमेशा ध्यान रखना है। दिस इज़ योर वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। कभी भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम तुमको ये ध्यान रखना है कि तुम लैम्डा हमेशा माइक्रोमीटर में रखना, माइक्रोमीटर में रखना। दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है, जो टेम्परेचर है वो हमेशा केल्विन में रखना। तो बस यही दो चीज़ें हैं जो तुमको ध्यान में रखनी है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ पुट करते हैं, अब मुझे पता चल गया कि लैम्डा मैक्स इंटू टी कॉन्स्टेंट है, तो वैल्यू पुट करेंगे प्लैंक्स लॉ में। जब वैल्यू पुट करी, ई बी मैक्स हो जाएगा तुम्हारा सी वन अपॉन लैम्डा मैक्स का फाइव, ब्रैकेट में ई की पावर सी टू अपॉन लैम्डा मैक्स टी माइनस वन, लैम्डा मैक्स टी अलग कॉन्स्टेंट है तो ये तो पूरा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ये सब कॉन्स्टेंट हो जाएगा। लैम्डा फाइव की जगह पुट कर सकते हैं सी थ्री लैम्डा फाइव अपॉन टी फाइव, ये पुट कर सकते हैं, ठीक है, लैम्डा फाइव, तो इसकी जगह जब पुट करोगे तो तुम्हारा एक्सप्रेशन ये बन जाएगा, और फाइनली सारे टर्म्स कांस्टेंट है एक्सेप्ट लीविंग टी। तो तुम यहाँ से, तुम्हारा एक चीज़ समझ में आया, क्या समझ में आया, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है कि फॉर मोनोक्रोमेटिक इमिशन, ठीक है, एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर फाइव, ठीक है, ये चीज़ है। ई बी मैक्स क्या, जो वीन डिस्प्लेसमेंट वाला क्या बताता है, ई बी लैम्डा मैक्स इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर फाइव। यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखना है कि टी की कौन सी पावर है, टी की पावर फाइव है, लेकिन जो टी की पावर फाइव है वो किसके लिए है, अगेन एक चीज़ ध्यान रखो, मोनोक्रोमैटिक, ध्यान रखना, जो ये एमिसिव पावर है मोनोक्रोमैटिक है, ना कि टोटल एमिसिव पावर। टोटल एमिसिव पावर में टी की पावर फोर आता है, क्योंकि इंटीग्रेट करोगे तो तुम इसको, जो टी की पावर फाइव, ये लैम्डा की पावर फाइव था वो लैम्डा की पावर फोर बन जाता है और फाइनली टी की पावर फोर आता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, फॉर मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर फाइव, फॉर टोटल एमिसिव पावर, टोटल एमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर फोर। ये चीज़ तुमको ध्यान में रखनी है, बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूजन आता है, ठीक है, तो ये चीज़ गड़बड़ नहीं करोगे, इसको अलग से नोट में मेंशन कर लेना, मैंने शायद मेंशन नहीं किया है तो तुम मेंशन कर देना, क्या कि एमिसिव पावर फॉर मोनोक्रोमेटिक एडिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर फाइव, एमिसिव पावर, टोटल एमिसिव पावर
नॉट फॉर मोनोक्रोमेटिक, ये मोनोक्रोमेटिक लिए नहीं है, ये मोनोक्रोमेटिक लिए है, इज़ फॉर ऑल टाइप ऑफ विजन। टोटल एमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। मैं अगेन ये बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने टाइम पे ये गलतियाँ की थी, ठीक है? तो ये चीज़ तुमको ध्यान में रखनी है। फॉर फ्रॉम वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ यही चीज़ कही है, द मैक्सिमम मोनोक्रोमेटिक ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फिफ्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है? तो यही चीज़ वही चीज़ रिपीट कर दिया उन्होंने और नथिंग, कुछ नया नहीं बोला है, ठीक है? अब एक चीज़ आता है, एक नया लॉ आता है, दैट इज़ योर इफ प्लैंक्स लॉ इज इंटीग्रेटेड ओवर द एंटायर वेवलेंथ। अगर अभी तक जो मैं से पावर फाइंड आउट कर रहा था मैं वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए था, अब मैं टोटल में से पावर फाइंड आउट कर रहा हूँ, ठीक है? तो कैसे फाइंड आउट करूँगा, इंटीग्रेट करके। तो यही बोला है, इफ़ द प्लैंक्स लॉ इज इंटीग्रेटेड ओवर एन एंटायर वेवलेंथ देन वी गेट स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ विच स्टेट दैट टोटल एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी एंड द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है? जो टोटल एमिसिव पावर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है, फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ई बी जो टोटल एमिसिव पावर क्या हो जाएगी, ई बी लैम्डा इंटू डी लैम्डा का इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फाइनाइट, जीरो टू इन्फाइनाइट मतलब सारी वेवलेंथ का वो कर दिया। तो जब ये मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो मेरा ई बी जो आ जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 आ जाएगा। अब ई बी को हटाने के लिए मतलब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए मैं इक्वलिटी का साइन लगाता हूँ, तो उसकी जगह ई बी की जगह क्या आ जाएगा, सिग्मा टी 4, जो ई बी की जो यूनिट है वॉट पर मीटर स्क्वायर। अगर मुझे वॉट यूनिट चाहिए तो मैं इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ई जो आ जाएगा टोटल एमिसिव पावर, ठीक है, नॉट पर यूनिट एरिया। ये ई बी जो है वो टोटल एमिसिव पावर पर यूनिट एरिया है, ई क्या है टोटल एमिसिव पावर, बस पावर मतलब सिर्फ वॉट यूनिट होगी। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा ए टी 4, ठीक है? सिग्मा कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है? सिग्मा कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10 की पावर माइनस 8। ए कौन सा है, ए है टोटल सरफेस एरिया जहाँ पे से रेडिएशन आ रहे हैं, एंड टी इज़ योर एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द सरफेस, जिस सरफेस से रेडिएशन आ रहे हैं उसका टेम्परेचर है, ठीक है? तो ये चीज़ सब तुमको ध्यान में रखनी है। एक और चीज़ जो ध्यान में रखनी है फॉर्मूला अप्लाई करते टाइम, क्या कि जो टेम्परेचर है दैट शुड बी इन केल्विन, ठीक है? एक और चीज़ जो तुमको ध्यान में रखनी है, जो ये फार्मूला है, ये जितने भी हम फार्मूला है ये सारे हम ब्लैक बॉडी के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो अगर तुम्हें रियल बॉडी के लिए निकालना है, यही चीज़ ही हमने ब्लैक बॉडी के लिए पढ़ा, अगर रियल बॉडी के लिए निकालना है तो सिंपली इसको एमिसिविटी से मल्टीप्लाई कर देना बस, ठीक है? और कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है? अगर तुम्हें रियल बॉडी के लिए निकालना है तो इसको एमिसिविटी से मल्टीप्लाई कर देना, और अगर ब्लैक बॉडी के लिए है तो ऑटोमेटिकली एमिसिविटी क्या हो जाती है 1, तो फार्मूला हो जाएगा सिग्मा ए टी 4। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है वाइल अप्लाइंग दीज फॉर्मूलाज, ठीक है? ये चीज़ें नीचे समझा भी रखी हैं। एमिसिविटी इज इक्वल टू ई रियल अपॉन ई ब्लैक, सिग्मा है 5.67 इंटू 10 की पावर माइनस 8। अच्छा, ये वैल्यू याद कर लेना कभी कभी, वैसे गेट में ज़्यादातर वैल्यूज ऐसे याद करने को नहीं देता, बट ये वैल्यू फिर भी तुम्हें मैं सजेस्ट करूँगा, ये वैल्यू याद कर लेना, ठीक है? ई रियल इज इक्वल टू एमिसिविटी टाइम्स इंटू ब्लैक बॉडी, तो ई रियल क्या हो जाएगा, ई सिग्मा टी 4, या फिर ई रियल इज़ इक्वल टू ए ई सिग्मा टी 4, ठीक है? तो अच्छा, जो ये फार्मूला है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सा फार्मूला, ये फार्मूले मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सिग्मा की वैल्यू है ये भी इंपॉर्टेंट है।